हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री, जहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और उसके मैंने थ्योरम्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको करवाए थे जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह थे, और उनको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, उनका यूज़ क्वेश्चंस में होगा। अगर आप वो अगर वीडियो नहीं देखे आपने पीछे वाले, तो आप उनको जरूर क्लियर करिए। उनके अगर आप आर्टिकल नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज करेंगे हम 1.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे तीन पार्ट दे रखे हैं, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। बाकी सबका सेम प्रोसीजर है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं उनको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजन। सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर, किसके, सेंटर के। ठीक है, देन ये इक्वेशन दे रखे आपके पास, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, इसके आपको सेंटर निकालने हैं। सेकेंडली, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजन। अगर हम कॉनिक के सेंटर को ओरिजन पे शिफ्ट कर देते हैं, देन आप कॉनिक की इक्वेशन निकालिए। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए हमें सेंटर निकालने हैं, फाइंड सेंटर, और सेंटर फाइंड आउट करते हो, देन आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि सेंटर कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको लेते हैं एफ ओफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एफ ओफ एक्स वाई दिस इक्वेशन, देन कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इक्वल टू जीरो एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एफ ओफ एक्स वाई इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से आप निकालिए कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, मीन्स इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आप एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, देन आप वाई को एज ए कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स का हो जाएगा 1, 3y, वाई स्क्वायर 0, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव में वाई कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 10, ये 0 कॉन्स्टेंट एंड ये 0 बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है सेकंड। ऐसे आप निकालेंगे कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, एफ का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, नाउ यू टेक एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x, वाई का 1 एंड प्लस 2y, 10x 0 माइनस 10 एंड दिस ऑल्सो 0, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स 0 एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इज ऑल्सो 0। ये होती है हमारे पास जब हमें सेंटर फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं। ओके, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास x और y में इक्वेशन आ जाती है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, या तो x और y के कोफिशेंट्स को इक्वल करके आप माइनस कीजिए, कैसे भी करिए, x और y की वैल्यू चाहिए हमें। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करती हूँ, y अपॉन एंड 1 अपॉन, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये 1 अपॉन रहेगा। नाउ x अपॉन, आप ये जो इसके कोफिशेंट x वाले, ये स्किप कर देंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 10 इज ए 30, माइनस 2 इंटू 10 20, देन y का करेंगे माइनस 30 प्लस 20, एंड जब आप कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, दिस इज 4 एंड माइनस 3 माइनस यहाँ पे आ जाएंगे, 3 3 इज 9। ओके, x अपॉन 10, y अपॉन माइनस 10 एंड 1 अपॉन माइनस 5, यहाँ पे आप लेके चलेंगे x बाय 10 इक्वल टू 1 बाय माइनस 5 एंड y बाय माइनस 10 इक्वल टू 1 बाय माइनस 5। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 2, ओके, और y की आ जाएगी 2। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर
इज माइनस टू एंड टू, ये आ जाता है हमारा सेंटर। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पे सेंटर निकाल लिया हमने। अब क्या निकालना है कि अगर इसके सेंटर को ओरिजिन पे रेफर कर दें, ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें, देन आप कॉनिक की इक्वेशन निकालिए। ओके, देखिए यहां से इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजन। अगर आप ओरिजिन पे शिफ्ट करते तो इक्वेशन कॉनिक की क्या होती है, ए सॉरी स्मॉल ए इंटू कैपिटल एक्स, एक्स स्क्वायर टू एच एक्स कैपिटल वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन होती है जब हम कॉनिक के सेंटर्स को, सेंटर को जो ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे अभी सी वन क्या है, वेयर सी वन, जो हमने ये सी वन कॉन्स्टेंट लिया है, सी वन किसके इक्वल होगा, जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी। ओके, एंड एक्स वन वाई वन इज सेंटर ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन कॉनिक। एक्स वन और वाई वन इसके सेंटर होंगे, तो यहाँ से सेंटर देखिए हमने निकाल लिए हैं, एक्स वन की वैल्यू इज अ माइनस टू एंड वाई वन इज अ टू, जो हमने यहाँ पे सेंटर फाइंड आउट की। ठीक है, अब हमें चाहिए जी एफ एच ए बी और सी, इन सब की वैल्यू चाहिए, वो आप यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, क्या होती है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए इक्वल टू वन, ओके, टू एच इक्वल टू एक्स वाई का मल्टीपल, अब टू एच ही ले लीजिए, एच की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे हम, माइनस थ्री, एच इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। ओके, यहाँ से निकालते बी की वैल्यू, बी इज अ वन, यहाँ से आप टू जी को कंपेयर करेंगे, यानी एक्स के मल्टीपल को कंपेयर करेंगे, टू जी इक्वल टू टेन आ जाएगा, जी इक्वल टू फाइव, वाई का कोफिशेंट टू एफ इक्वल टू माइनस टेन एंड एफ इक्वल टू माइनस फाइव एंड सी इक्वल टू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म 21। ठीक है, सबकी वैल्यू आपको मिल गई है, आपको यहाँ पे पुट करना है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक व्हेन सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन यानी दिस कॉनिक रेफर एज ओरिजिन। ठीक है, निकालिए भाई यहाँ से, सबसे पहले तो हमें सी वन की वैल्यू चाहिए, सी वन क्या है, जी इंटू एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई वन प्लस सी, जी की वैल्यू फाइव, फाइव इंटू एक्स वन इज अ माइनस टू, सेंटर हम निकाल चुके हैं, एफ इज माइनस फाइव एंड वाई टू प्लस सी 21। ठीक है, माइनस टेन माइनस टेन प्लस 21 माइनस 20 प्लस 21 इज अ वन, तो सी वन की वैल्यू आ गई है वन यहाँ से। ओके, अब इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन ले लीजिए यहाँ से, फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, देन बाय इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू देखिए यहाँ से, ए इज अ वन, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में, वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एच की वैल्यू है माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, एंड प्लस बी की वैल्यू पुट कीजिए, बी इज वन, वन इंटू वाई स्क्वायर और सी वन की हमने यहाँ से निकाल लिए इक्वल प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन आ गई कॉनिक की जब हमने टू से टू कैंसिल, माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक व्हेन सेंटर ऑफ दिस कॉनिक रेफर्ड एज ओरिजिन।
ठीक है। तो जब हमने इसके सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट किया तो ये क्वेश्चन आती है कॉनिक की, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। बाकी जो दो पार्ट है वो भी आपको एज इट इज ही करने हैं। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एज इट इज उनका प्रोसीजर है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर्ड टू द सेंटर एज ओरिजिन। लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ सेंटर और इक्वेशन पूछ रखी थी, जब आप इसके कॉनिक के सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं। अब एक और नया क्वेश्चन ऐड कर दिया है, नेचर ऑफ द कर्व बताइए आप। नेचर ऑफ द यानी कि ये कर्व हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, किस टाइप का कॉनिक बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए इसको, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, ठीक है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन ए इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इज ए टू एच, एक्स वाई का कॉफिशियंट इक्वल टू माइनस 72, एंड यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लीजिए माइनस 36, ओके। फिर हम निकालते हैं यहाँ से बी का कॉफिशियंट, बी इज वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशियंट बी 23। फिर हम एक्स का कोफिशियंट चेक करते हैं, टू जी इक्वल टू माइनस 4 एंड जी इक्वल टू माइनस 2। देन टू एफ वाई इक्वल टू टू, वाई का कोफिशियंट चेक करेंगे जब माइनस 28, ओफ वाई नहीं ओनली 2f, वाई का कोफिशियंट लेना है, देन 2f इक्वल टू माइनस 28 एंड f इक्वल टू माइनस 14। और लास्ट में रहता है c, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स माइनस 48। a b एंड c h g f सब की वैल्यूज आपको यहाँ से निकाल लेनी है। नेचर ऑफ कर्व के लिए हम क्या निकालते हैं, डेल्टा क्या वैल्यू होती है भाई, ए बी सी माइनस टू टू एच जी एफ, ये प्लस का होता है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू होती है डेल्टा की। ए बी सी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आप यहाँ से निकाल चुके हैं। ए बी सी की वैल्यू रखिए, ए इज अ टू, बी 23 एंड सी इज माइनस 48 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू माइनस 36, जी माइनस 2 एंड एफ इज अ माइनस 14, माइनस ऑफ ए की वैल्यू देखिए यहाँ से, ए इज अ 2, 2 एफ स्क्वायर, एफ इज माइनस 14 स्क्वायर माइनस बी 23 इंटू जी माइनस 2 स्क्वायर एंड सी एच स्क्वायर लिखेंगे, माइनस सी की वैल्यू थी माइनस 48, देन ये प्लस हो जाएगा एंड एच स्क्वायर, एच इज 36 लेना है। कंप्लीट कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे और ये जो कैलकुलेशन है ये आएगी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी आपको ये चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रही है या नॉन जीरो आ रही है। यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस हैं कि जीरो आने पे क्या बनता है, नॉन जीरो पे क्या प्रोसीजर है आगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करवा रखा है, वहाँ पे आप इसको देख लेना, ठीक है। हमारे यहाँ से आ गया डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम निकालेंगे यहाँ से ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू, ए बी की वैल्यू रखिए यहाँ से, ए इंटू ए इज अ टू एंड 23 माइनस एच इज माइनस 36, माइनस 36 स्क्वायर, देन ए बी माइनस एच स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ रहा है माइनस 1250, ठीक है। तो माइनस का आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो। अब क्या कंडीशन होती है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम फाइंड आउट करते हैं ए बी माइनस एच स्क्वायर। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर पॉजिटिव होता है इलिप्स बनाता है, अगर लेस देन जीरो है देन यहाँ पे क्या बनेगा, हाइपरबोला। देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट हाइपरबोला, ओके।
सर्कल कब बनता है, पैराबोला कब बनता है, ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, वहां से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमने नेचर ऑफ कर्व यहाँ पे देख लिया कि हमारा हाइपरबोला बन रहा है। इसके बाद आप इसको सेंटर निकालिए। सेंटर कैसे निकालने हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इक्वल टू जीरो एंड कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू जीरो, ये पुट करेंगे। एफ ओफ एक्स वाई, ये जो इक्वेशन होती है हमारी एफ ओफ एक्स वाई होती है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई। करिए आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, 4x माइनस 72y, y इज ए कॉन्स्टेंट एंड नेक्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 एंड ये टर्म जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो इक्वल टू जीरो। एंड विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहाँ से इक्वेशन आएगी माइनस 72x प्लस 46y माइनस 28 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y यहाँ पे क्या बनेंगे, सेंटर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, देन x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 आंसर आएगा। ओके, देन सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज माइनस 1, 3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर सेंटर एज ओरिजन क्या होती है, a इंटू एक्स स्क्वायर टू एच कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, वेयर सी वन इज जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी एंड एक्स वन वाई वन, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और सेंटर इस इसके जो इक्वेशन फर्स्ट इसके सेंटर होते हैं एक्स वन वाई वन, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस वन और थ्री। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन की वैल्यू माइनस वन एंड वाई वन इज थ्री, और सी की वैल्यू सी यहाँ से माइनस 48। जो स्मॉल नंबर है ए बी सी एफ जी एच सी सारे आपको यहाँ से वैल्यू उठानी है, और एक्स वन वाई वन सेंटर हो गए, यहाँ से मिल जाएगा। सी वन की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करेंगे एंड ए एच और बी की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी कॉनिक की जब आपने इसके सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट किया। और देखिए, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और आपको इसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला। सबसे पहले आप देखिए एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट या फिर एसिम्प्टोट किसी भी कॉनिक का अगर आपको निकालना है तो इसकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, जो जनरल कॉनिक इक्वेशन होती है वो लिखिए, टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर 2gx 2h सॉरी 2fy प्लस सी, ये होती है जनरल कॉनिक इक्वेशन। और हमने निकालना है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट के लिए आपको क्या करना है, माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये फैक्टर ये टर्म आपको माइनस कर देनी है जनरल इक्वेशन, जो कॉनिक जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक की, उसमें से माइनस कर देंगे डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और डेल की वैल्यू आपको बाय द वे पता होती है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन क्या होती है भाई, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी माइनस टू टाइम डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अंडरस्टैंड। ये होता है एसिम्प्टोट एंड दिस इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन, यहाँ तक कि हमारी जनरल इक्वेशन होती है, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू
थ्री, टू एच माइनस फाइव, एच की आ जाएगी माइनस फाइव बाय टू, देन बी की वैल्यू माइनस टू, एंड इसके बाद है टू जी सेवनटीन, जी आ जाएगा सेवनटीन बाय टू, इसके बाद टू एफ इज अ वाई का मल्टीपल वन एंड एफ इज अ वन बाय टू एंड सी इक्वल टू फोर्टीन। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन है। जब आप एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालेंगे सब की वैल्यू रखेंगे ए एच बी जी एफ सी एंड यहाँ से निकालेंगे डेल, डेल की क्या इक्वेशन क्या वैल्यू होती है, डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये हमारा डेल होता है। यहाँ पे आप ए बी सी सबकी वैल्यूज रखिए, सबकी वैल्यू आपके पास है, दीज आर ऑल वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे और डेल को सॉल्व करेंगे, फिर आप निकालेंगे ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी एंड एच कैलकुलेट करेंगे यहाँ से और डिवाइड करेंगे दोनों को, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पुट करेंगे सबकी वैल्यूज इक्वेशन एसिम्प्टोट की और यहाँ पे पुट करेंगे देन इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। देखिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, व्हाट कर्व आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास कर्व की, फोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स आपको लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू पे कर्व की नेचर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लैम्डा की किस वैल्यू पे इलिप्स बन रहा है, किस कंडीशन में हाइपरबोला बन रहा है, इस तरह से आपको यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर करते हैं यहाँ से ए वन एच टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एच इज ऑल्सो वन, बी वन प्लस लैम्डा, जी एक्स का मल्टीपल, यहाँ पे जी एक्स आई नहीं तो जी हमारा जीरो हो जाएगा, ओके एक्स की टर्म नहीं है, एंड एफ टू से टू कैंसिल, एफ इज अ लैम्डा एंड लास्ट में सी इज माइनस वन, तो सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। ओके, नेचर ऑफ कर्व के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, डेल ए बी सी प्लस टू जी एच एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर, इनकी वैल्यूज रखिए, ए बी सी ए वन बी वन प्लस लैम्डा एंड सी इज माइनस वन, टू इंटू जी इज ज़ीरो, तो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी, जी की वैल्यू जीरो है कंप्लीट जीरो, माइनस ए इज वन एंड एफ लैम्डा स्क्वायर वन इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस जी जीरो है ये भी जीरो, माइनस सी इज अ माइनस वन एंड एच इज वन। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा माइनस लैम्डा इंटू वन प्लस लैम्डा, ये हमारे डेल की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो लैम्डा में आया है इसलिए लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पे ये डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास आएंगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आता है या फिर इक्वल टू जीरो आता है, दोनों कंडीशन में हमें ए बी माइनस एच स्क्वायर चाहिए। ओके, ए बी की वैल्यू रखिए वन इंटू वन प्लस डेल्टा माइनस एच इज एच वन वन स्क्वायर मीन्स वन प्लस लैम्डा माइनस वन दिस इज लैम्डा। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। यहाँ पे देखिए डेल्टा जीरो कब बन रहा है, या तो मैं डेल्टा की वैल्यू जीरो रखूँ, ओके, या फिर सॉरी लैम्डा की, डेल्टा नहीं लैम्डा, या फिर लैम्डा की वैल्यू माइनस वन रखूँ, दोनों केसेस में डेल हमारा जीरो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन जीरो कंडीशंस पे चेक करते हैं, डेल हमारा नॉन जीरो कब नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, इफ लैम्डा लेस देन जीरो मीन्स ना तो जीरो वैल्यू होगी ना ही आपके पास ये जीरो भी नहीं रख सकते, इसके बाद क्या आएगा जीरो से अगर लेस ले रहे हो माइनस वन, यानी माइनस वन पे जीरो बना सकता है, तो हमने लिया लैम्डा लेस देन जीरो एंड
लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जैसे ही मैं लेस देन जीरो लूँगी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस वन भी आ सकती है, और माइनस वन रखते ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट हमने लिया कि लैम्डा नेगेटिव है बट लैम्डा माइनस वन के इक्वल नहीं है। ओके, देन इस केस में आपके पास वैल्यू क्या आएगी डेल की, अगर ये कंडीशन चेक करते हैं माइनस वन के इक्वल तो है नहीं, माइनस वन पे जीरो बनाता, तो इस कंडीशन में डेल हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, और यहाँ पे चेक करिए आप ए बी माइनस एच स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है लैम्डा, इस पर भी तो डिपेंड करता है ना, ये वैल्यू हमारी लैम्डा आ रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे लैम्डा लेस देन जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन, नाउ डेल नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस लिखवा भी रखी हैं और बता भी रखी है, समझा रखी हैं कि ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आता है डेल नॉट इक्वल टू जीरो पे, देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ओके, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये लिप्स बनाएगा। सेकेंड केस देखें, यहाँ से सेकेंड केस क्या बनेगा, केस सेकंड, इफ लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं लैम्डा को जीरो से ग्रेटर ले लेती हूँ, यहाँ पे देखिए जीरो से बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी। इस केस में भी डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी माइनस एस स्क्वायर, ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है लैम्डा और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट एंड एलिप्स। ओके, केस थर्ड जिस पे हमारा लैम्डा जीरो आ जाता है, यहां पे आप लिखेंगे केस थर्ड इफ लैम्डा इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू माइनस वन लेते ही हमारे पास डेल्टा जीरो आ जाएगा। ओके, देखिए लैम्डा इक्वल टू माइनस वन लिया, यहां पे आप जैसे ही माइनस वन पुट करेंगे डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी जीरो, एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज अ लैम्डा और लैम्डा हमने क्या लिया है माइनस वन, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा वैल्यू है, हमने इसको माइनस वन लिया, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कंडीशन क्या आ रही है लैम्डा डेल इक्वल टू जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन लेस नहीं नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं देन जो इक्वेशन फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और अगर डेल जीरो है और ए बी माइनस एच स्क्वायर भी जीरो आ जाए देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल लाइंस को, तो फोर्थ केस हमारा यही बनेगा, केस फोर्थ इफ लैम्डा इक्वल टू जीरो, अगर लैम्डा जीरो आ जाता है देन डेल इज, यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है, देन डेल इक्वल टू जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा वैल्यू निकाल रखी है और ये हमने जीरो लिया, दैट मीन्स ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इन दोनों केसेस में क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके डिफरेंट केसेस बताने हैं कि लैम्डा की वैल्यूज में नेचर ऑफ कर्व क्या क्या बनता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करके और आगे 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।